जगत पिता ब्रह्मा और जगत जननी माँ सरस्वती अपने अदृश्य सानिध्य में आपका संगम नगरी प्रयागराज में स्वागत करते हैं। वैसे तो कुंभ मेले का औपचारिक आगाज 15 जनवरी 2019 को होगा, लेकिन सनातन धर्म के रक्षा स्रोत अखाड़ों के शाही सवारी से 25 दिसंबर को ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने चार दिशाओं में चार मठों की स्थापना की थी। उत्तर में भद्रिका आश्रम में ज्योति पीठ, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी गोवर्धन। अखाड़ों की विभिन्न धार्मिक जिम्मेदारियां होती हैं। सर्वप्रथम सनातन धर्म के चारों मठों की रक्षा करना इसकी पहली धार्मिक जिम्मेदारी होती है। हिंदू समाज में नैतिकता को बढ़ाना, धार्मिक शिक्षा दीक्षा को फैलाना और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना इसके अन्य धार्मिक जिम्मेदारियों में शामिल है। युवा साधुओं को शस्त्र व शास्त्र का विद्या देकर उन्हें कुशल बनाना ही अखाड़ों का उद्देश्य है। श्री पंचदशानम आवाहन अखाड़े की प्रमुख बातें आपको बताएं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस अखाड़े में अन्य अखाड़ों की तरह महामंडलेश्वर पद की नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि वैदिक सनातन धर्म की रीति को अपनाते हुए यहाँ पर आचार्य पद प्रमुख होता है। इसके बाद इसके इष्ट देवों की बात करें तो यह अखाड़ा अपना इष्ट देव भगवान श्री गणेश और भगवान दत्तात्रेय को मानता है, क्योंकि इनकी मान्यता है कि ये दोनों भगवान आवाहन करके ही प्रकट होते हैं। साथ ही साथ अन्य अखाड़ों की अपेक्षा इस अखाड़े में आज तक कभी भी किसी महिला को दीक्षा नहीं दी जाती। अखाड़े की पेशवाई में सबसे पहले इष्ट देव की सवारी आएगी, जिसके बाद आचार्य प्रमुख अपना पेशवाई पेश करेंगे और जिसके बाद अन्य पदाधिकारियों की सवारी निकलेगी और कुंभ नगरी प्रयागराज के संगम क्षेत्र को सुशोभित करेगी। श्री आवाहन अखाड़ा 646 में स्थापित हुआ था और 1606 में पुनर्संयोजित किया गया था। इनके ईष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। इसका आश्रम ऋषिकेश में भी है। स्वामी अनूप गिरी और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से एक हैं। आज इस संगम क्षेत्र में देखा जा सकता है कि हिंदू धर्म के सारे अनुयायी यहाँ पर गंगा स्नान करने और दर्शन हेतु पधारे हैं। वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला हमारा हिंदू सनातन धर्म पूरे विश्व को आहें भरकर यहाँ स्वागत करता है, क्योंकि इसका संदेश ही साफ साफ जाहिर करता है, पूरा विश्व मेरा परिवार है, यानी वसुदेव कुटुंबकम। हिंदू धर्म में सभी को अपनी मान्यताओं के हिसाब से जीने और अपनी पूजा पद्धति पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसका सबसे सुगम उदाहरण है कुंभ मेला 2019। कुंभ मेला 2019 में भारत भर के साधु संत, दुनिया भर से लोग दर्शनार्थी और शरणार्थी बनकर यहाँ पे आए हैं, यहाँ की खूबसूरती का लुफ्त उठाने। आइए देखते हैं एक दृश्य। श्री पंचदशानम आवाहन अखाड़े के मार्ग प्रतिष्ठि की बात करें तो यह डांडी तिराहा से होते हुए प्रयागराज रीवा रोड को पार करते हुए पुराने यमुना ब्रिज से होते हुए संगम क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग से होता हुआ अब पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कैसे पंचदशानम आवाहन अखाड़ा अपने पूरे अखाड़ा समिति के लोगों, पदाधिकारियों और साधुओं की टोली के साथ यहाँ पर पधार चुका है और उनका स्वागत करने के लिए प्रमुख मेला अधिकारी विजय किरण आनंद जी आ चुके हैं और फूलों की वर्षा और माला पहनाने के साथ उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस की भारी सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित की गई है ताकि यह पेशवाई
सुगम तरीके से अपने मार्ग को पूरा करते हुए आगे बढ़ सके। लोगों का हुजूम साफ साफ देखा जा सकता है, जो हाथियों के झुंडों में सवार अखाड़ों के लोगों का भव्य स्वागत कर रहा है। और आज हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सभी श्री पंचदशानम आवाहन अखाड़े का भव्य स्वागत कर रहे हैं। और पूरा धर्म और धर्म की बातें करने वाले लोग सभी यहां पर एकत्र हुए हैं इस संगम क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अखाड़ा के प्रमुख श्री शत्रगिरी जी महाराज जी को माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है हमारे प्रमुख मेलाधिकारी विजय किरण आनंद जी द्वारा, और साथ ही साथ तमाम मीडिया कर्मी छायांकन और रिपोर्टिंग के माध्यम से इस भव्य आयोजन का कवरेज आपको दिखाते हुए। आप देख सकते हैं तमाम पदाधिकारी लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए माला और उद्घोष के साथ सभी अपने लश्कर को आगे पहुंचाते हुए। प्रयागराज में मानो ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर से शरणार्थी बस इसी पेशवाई को देखने के लिए एकत्रित हो गए हैं। देखिए कैसा पूरा जुलूस लगा हुआ है, हाथी घोड़ों के साथ साधु संत यहाँ पे उपस्थित हैं। फूलों की वर्षा करके माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। कितना भव्य दिव्य दर्शन है। आप देख सकते हैं कि अखाड़े के सारा पदाधिकारी फूलों की वर्षा का अभिनंदन स्वीकार करते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने पेशवाई के मार्ग को आगे बढ़ाते बढ़ रहे हैं। और संगम क्षेत्र में आए हुए सभी भक्तों का अभिनंदन और आदर स्वीकार कर रहे हैं। धीमे धीमे हाथियों के झुंड के साथ श्री पंचदशानम अखाड़ा, हमारा सम्मानित सनातन धर्म का अखाड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। और फूलों की वर्षा हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आप लगातार देख सकते हैं उनका भव्य धार्मिक स्वागत हो रहा है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है और इस भक्तिमय के वातावरण में आप तकनीक का एक अलग ही परिदृश्य देख सकते हैं उड़ने वाले ड्रोनों के साथ, जो कि सभी पर चारों तरफ से निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी भी आवाजाही और किसी भी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों पर नज़र रखी जा सके। आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का हुजूम अखाड़े के मार्ग को चारों तरफ से घेर चुका है और उनका स्वागत करने में लगा हुआ है। पूज्य संतों और पूज्य अखाड़ा पदाधिकारियों की सेवा सत्कार में सभी लगे हुए हैं। अखाड़ा प्रमुख महाराज जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए लोग लगातार फूलों की मालाओं लिए खड़े हैं, अपने अखाड़ा गुरुजन का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका एक दुर्लभ दर्शन पाने के लिए जो कि उन्हें केवल कुंभ में ही प्राप्त हो सकते हैं और कहीं नहीं। प्रयागराज का कुंभ सबसे खास माना जाता है। ये पेशवाई जैसा कि आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर दूर तक दिख रहा है। आप देख सकते हैं हाथियों के झुंड पर सवार हमारे पूज्य नागा साधुगण जो सभी के अभिनंदन का उद्घोष स्वीकार करते हुए, और उनके हाथों में आप भव्य धार्मिक चिन्ह त्रिशूल को देख सकते हैं जिस पर फूलों की माला ऐसे पड़ी है मानो कोई वट वृक्ष अपना आशीर्वाद लोगों को पत्तियों द्वारा दे रहा हो। नागा साधु हमारे हिंदू धर्म में सबसे कठोर तपस्वी माने जाते हैं, जो कि सारी मानवता से दूर रहते हुए भी मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं श्री पंचदशानम आह्वान अखाड़ा का बैनर ऊपर लगा हुआ, जो कि साफ साफ लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए। आप देख सकते हैं हाथी पर सवार होते हुए हमारे नागा साधु महाराज जी, और उसके साथ ही ढोल नगाड़ों और पूरे बैंड बाजे के साथ श्री पंचदशानम आह्वान अखाड़ा अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए इस पावन
त्रिवेणी संगम क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। पूरा वातावरण भक्तिमय है। सभी जगह मानो आज ओम ओम की भांति दर्शन वार्तालाप चल रही हो। इस दर्शन वार्तालाप के जरिए आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है यानी कुंभ मेला, वो किस तरह आगे बढ़ता जा रहा है। ढोल नगाड़े और गाने के साथ स्वागत किया जा रहा है इस पेशवाई का। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, साधुओं का एक हुजूम सा लगा हुआ है। हाथी घोड़ों पर सवार साधु अपने दर्शन दे रहे हैं। श्री पंचदशानन आवाहन अखाड़ा अपने पेशवाई समूह को आगे बढ़ाता हुआ और अपने मार्ग को लगातार प्रतिष्ठित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहाँ वो अपना मार्ग प्रशस्त भी कर रहा है और उसे प्रतिष्ठित भी कर रहा है, क्योंकि उसके इस धार्मिक रूप को देखकर मन पूरा भक्तिमय हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और इसका उदाहरण, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि लोग लगातार अपने मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद करने को लेकर कितने उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और लगातार इसको अपने स्मृति के तौर पर कैमरों में कैद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पल कभी भी देखने को नहीं मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि धार्मिक भजनों के साथ बैंड बाजा श्री पंचदशानन आवाहन अखाड़े के पेशवाई समूह को आगे बढ़ा रहा है। पीछे आप लाल रंग का झंडा देख सकते हैं जिसमें श्री शंभू पंचदशानन आवाहन अखाड़ा लिखा हुआ है, जो कि इस अखाड़े का पूरा आधिकारिक नाम है। और इस झंडे में भगवान आदिदेव भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर को देखा जा सकता है, जो कि वास्तव में एक धार्मिक सौंदर्यता का एक मनोरम उदाहरण है। उसके साथ ही आप आ रही पालकी में और झांकियों में देख सकते हैं पूज्य संतों को, जो कि इस पर सवार होकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ढोल हैं, यहाँ नगाड़े हैं, यहाँ पर झंडे हैं, यहाँ पर बैंड बाजा है। पूरे धूमधाम से, पूरे धार्मिक उद्घोष के साथ सभी भक्तों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, उनको अपना आशीर्वाद देते हुए श्री पंचदशानन आवाहन अखाड़ा आगे बढ़ रहा है, जिसमें पूज्य साधु संत, नागा साधु संत शामिल हैं। और पीछे पीछे अखाड़ा के प्रमुख लोग आगे आ रहे हैं और लोगों का अभिनंदन स्वीकार भी कर रहे हैं और उनको अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इष्ट देव की पालकी यहाँ पे आ चुकी है। बहुत ही भव्य नज़ारा है, लोगों की भीड़ लग गई है एक एक नज़ारा देखने के लिए। वो नहीं चाह रहे हैं कि कुछ भी उनके आँख से ओझल हो जाए। Thank you.
आप यहाँ पर ब्रिटिश संस्कृति का भी एक झलक देख सकते हैं कि कैसे श्री पंचदशानम आवाहन अखाड़े में बैक पाइपर्स का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, बैक पाइपर्स जो कि बाजा है विदेशी देश का, यहाँ पर उसकी भी एक झलक देखने को मिल रही है। और इष्टदेव की पालकी के बाद अब पूज्य प्रमुख संतों की पालकी आ रही है, जिसमें वह सभी का अपना हाथ हिलाकर आशीर्वाद रूप से स्वागत कर रहे हैं और लोग फूलों की वर्षा करते हुए अपने आराध्य गुरुजन का सम्मान कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः की सिद्धि मंत्र को पुनर्जागृत करने वाला यह श्री पंचदशानम आवाहन अखाड़ा अपने मार्ग को प्रतिष्ठित करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं कि पूज्य संत महाराज जी अपने पालकी में बैठे हैं और लगातार रिपोर्टरों से बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को आशीर्वाद देते हुए उनका स्वीकारता भी दे रहे हैं और साथ ही अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी की एक झलक पाने के लिए लोग इतने उतारू हैं कि सभी लगातार मालाओं की माला बनाते हुए उनके गले में फूलों की माला डाल रहे हैं और साथ ही साथ फूलों की वर्षा करते हुए लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं और अपना विनम्रतापूर्वक स्वीकारता देते हुए सभी का अभिनंदन, सभी का सम्मान पूज्य महाराज जी ले रहे हैं और दोनों हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में संगम क्षेत्र आज श्री पंचदशानम आवाहन अखाड़ा के आने से भक्तिमय हो गया है, सुगंधित हो गया है, इसका असल रूप में सौंदर्यकरण हो चुका है। ये एक ऐसी बात है जिसको शब्दों में परिभाषित करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। कड़ी सुरक्षा में निकाली गई पेशवाई का स्वागत करने में सभी लोग लगे हुए हैं। माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया जा रहा है। आज संगम नगरी वाकई में जीवंत हो उठा है। बैंड बाज से ये स्वागत सभी को आकर्षित कर रहा है। लोग अपने मोबाइल फोन कैमरों में इस मूवमेंट को कैद कर लेना चाहते हैं।
बोला जाता है कि प्रयागराज आस्था का संगम है, वाकई में आज ये साबित हो रहा है। साधु संत लगातार हमारी उपस्थित भीड़ को आशीर्वाद दे रहे हैं और अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। लोगों का हुजूम यहाँ पे उपस्थित है साधु संतों का आशीर्वाद पाने के लिए। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी एक झलक मिल जाए। बैंड बाजे के साथ ये स्वागत सबको आकर्षित कर रहा है। सब इसी आस्था में डूब चुके हैं, सराबोर हो चुके हैं। श्री आह्वान अखाड़े की पेशवाई वाकई सभी लोगों को आकर्षित कर रही है और अपनी ओर खींच रही है। लगातार माला पहनाकर और फूलों की वर्षा करके हमारे साधु संतों की स्वागत लगातार हो रही है। बैंड बाजों के साथ यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है।
वाकई क्या नज़ारा है, आंखों को एकदम ठंडक पहुंचा रहा है। कड़ी सुरक्षा में की गई ये पेशवाई आगे बढ़ते जा रही है। श्री पंचदशानम आवाहन अखाड़े का पेशवाई अपना आधा मार्ग प्रशस्त कर चुका है, उनके स्वागत का आधा दौर पूरा हो चुका है। अब अन्य पदाधिकारीगण पूज्य साधु संत आगे बढ़ रहे हैं और उनका लगातार प्रमुख पुलिस व प्रशासन अधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, माला पहनाने के बाद सनातन धर्म की रीति अनुसार उनके पैर छुए जा रहे हैं और पूज्य गुरुजन संत जी अपना आशीर्वाद देकर उनका सत्कार स्वीकार कर रहे हैं। यह कुंभ मेला है, यहाँ सभी का स्वागत है, फिर भी वह किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय विचारधारा का हो। यहाँ जो ईश्वर को माने वह भी, जो ईश्वर को माने वह ना भी, सभी का स्वागत इस संगम नगरी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में होता है और होता आएगा। लगातार पूरे गद्दी को लगाए हुए पूरे बैंड बाजे, घोड़ों, ढोल नगाड़ों, पताकों, झंडों के लश्कर के साथ एक बहुरंगी पेशवाई समूह आगे बढ़ता जा रहा है, जिसको कि लोग अपना फूलों की वर्षों के द्वारा, माल्यार्पण के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा स्वागत कर रहे हैं और पूज्य संतगण हमारे श्री पंचदशानम आवाहन अखाड़े के लोगों का आवाहन, उनका उनकी प्रार्थना, उनका आशीर्वाद को देते हैं और उनका सत्कार स्वीकार करते हुए अपने मार्ग की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए धन्यवाद।